सो दोस्तों इमेजिन मैं कहाँ हूँ, देखकर कुछ लग रहा होगा। एक्चुअली ये जगह है फिल्म सिटी के पास ही, जहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार है और वो दीवार को कूद कर आना पड़ता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है शायद से, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, गांव वाले लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम लोग को आना अलाउड नहीं है, लोगों को आना अलाउड नहीं है, गाँव वाले लोग हैं। लेकिन बहुत अच्छा एरिया है, कुछ जंगल जैसा है थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा है। रूट है यहाँ पर जाने के लिए रास्ता, एंड इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो चल रहा हूँ एक जगह पे, अभी बैठूँगा, पसीना हो गया था फुल चल चल के, तो अभी थोड़ा पसीना पोंछा है एंड अभी उतर रहा हूँ। थोड़ा रास्ते पे ध्यान रखना पड़ रहा है क्योंकि पत्थर है यहाँ पर, एंड आई एम गोइंग डाउन नाउ। ऊपर जाते वक्त वीडियो नहीं निकाल पाया क्योंकि मैं खुद रास्ता देखते हुए जा रहा था, एंड अभी जा रहा हूँ नीचे। सो यस आई एम वॉकिंग, स्टोनी प्लेस है बहुत, एंड चल रहा हूँ यहाँ से। सो यस आई एम वॉकिंग और मैं जा रहा हूँ चलते चलते। ऊपर से ट्रेजेडी क्या हो गया, मैं सैंडल पहन के आया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि शूज़ पहनना चाहिए था और मेरा सैंडल टूट गया है और मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और इरिटेशन हो रहा है। क्या करे यार, स्पार्क्स ने धोखा दे दिया। फाइनली एक वाटरफॉल मिला यहाँ पर, देख सकते हो बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं यहाँ पर, मज़ा आया। थोड़ा बहुत फोटोज खींचा हूँ एंड फाइनली अभी यहाँ से निकलने का प्लान है। स्नैक्स लाया था साथ में, अभी यहाँ पर पानी है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी पिसल चुका हूँ थोड़ा, तो मैं थोड़ा सा केयरफुली यहाँ से क्रॉस करूँगा और जैसे मैं क्रॉस करता हूँ। सो फाइनली गोइंग होम, जा रहे हैं, मस्त वाटरफॉल था यहाँ पे एंड सीनरी भी बहुत मस्त है। वाओ यार, ऐसा सब जगह मुंबई में देखने के लिए मतलब कहाँ मिलते हैं यार, हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते हैं। यहाँ पे पानी है एंड मैं संभाल संभाल के चल रहा हूँ। यार मज़ा आया, बोलते ना पूरी ट्रैफिक भरी ज़िंदगी में ऐसा कोई ग्रीनरी देखने मिल जाता है तो बहुत मस्त मज़ा आता है, शांति मिलता है, वैसा काइंड ऑफ थिंग था। तो अभी चल रहा हूँ आराम आराम से, और मेरे दोस्त लोग भी है यहाँ पर और ये है रास्ता। एक्चुअली सच बोलो तो ये फुल जंगल इलाका है एंड जहाँ पे मैं रहता हूँ पहले वहाँ पर भी जंगल था एंड अभी टूट टूट कर ये जगह बना है। एंड अभी कुछ टाइम के बाद जहाँ पे मैं चल रहा हूँ वहाँ पे भी बिल्डिंग होगी, देखते हैं कुछ साल लगेंगे उसके लिए, लेकिन होगी कभी ना कभी, क्योंकि अपना इंडिया, अपना मुंबई ग्रोथ हो रहा है, पहाड़ टूट टूट के बिल्डिंग बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी कभी ना कभी बिल्डिंग होगी। इट वॉज़ अ बैड आइडिया वेयरिंग अ सैंडल इन कमिंग ओवर हियर, कॉज इफ यू विल सी मेरे सैंडल के लग गए हैं वाट, इट इज़ टोटली डिस्ट्रॉयड एंड थैंक्स टू स्पार्क। अब क्या करे यार, अभी नंगे पैर, एक पैर पे चप्पल है, एक पैर पे बिना चप्पल और हाथ में वो टूटी फूटी चप्पल। होप सो मुझे कोई पत्थर वत्थर नहीं लगता है पैर पर, नहीं तो लगेगा तो यार वाट लग जाएगी।
रिसेंटली जब मैं राजमाची फोड़ गया था, मुझे पता था वहाँ पे इतना चढ़ना है, तो मैं स्पोर्ट्स शूज़ में था एंड सडनली मेरे फ्रेंड्स लोग ने प्लान बनाया और मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतना चढ़ना पड़ेगा एंड तो मैं सोचा यार सैंडल में ही चल लेते हैं, क्या यार ऊपर ही तो जाना है, लेकिन इधर इतने पत्थर है, सब कुछ है, सैंडल में आया, सैंडल ने लिटरली धोखा दे दिया है। तो भी अभी चल रहा हो, देखते अभी लक होगा तो कुछ होगा नहीं, वैसे घर तो नज़दीक है, जैसे इधर से उतरता हूँ घर तो नज़दीक है फिर, लेकिन मज़ा आया यार कुछ भी बोलो, बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट लगता है ऐसे सब जगह पे आना। और अभी बारिश का टाइम है यार, तभी इतनी हरियाली है, बारिश नहीं होगा तो कौन सी हरियाली देखने को मिलेगी। आई एम लास्ट टू वॉक बिकॉज दीज गाइज आर गोइंग फ्रंट, रीज़न बहुत बता सकता है यार तुम लोग को भी पता है अभी क्या करे, एक पैर चप्पल है एक पैर चप्पल नहीं है। इंसान की कभी कभी क्या हालत हो जाती है ना। बहुत स्टोनी एरिया है यार, ये देखो दिख रहा है, बहुत स्टोनी एरिया, देख देख कर चलना पड़ता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है ऐसे ही, हम डैम के पानी में उतरे थे बिना चप्पल के एंड मेरे पैर पे लग गया था कांच और बहुत ब्लीड हुआ था, तो एक बार ऐसा सीन इंसिडेंट हो गया। तो थोड़ा मैं कॉशियस रहता हूँ ये सब चीज़ों से, ध्यान रखता हूँ यार, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, पानी के अंदर कांच लग गया था मुझे एंड इट वाज नॉट हीलिंग और चलने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा संभल के ही रहता हूँ। अभी एक और पानी आया है, चलो संभाल के निकलता हूँ। एंड हियर इज ग्रीनरी, तो पानी से निकल गया, हवा मस्त है यहाँ पर, बाल उड़ रहे हैं कि यार क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ पे हवा तो होता है। स्लोली स्लोली चल रहा हो, यहाँ पे अगर देखोगे तो बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं कि ये वही साइड पे है। रात हो रही है तो वहाँ पे मैंने ब्लॉग पूरा नहीं बना पाया, तो मैं हम लोग वहाँ से निकले, वहाँ से मैंने वापस आया वापस, फिर वहाँ से हम लोग गए थे चाइनीज़ खाने को, तो मैंने वहाँ पे चाइनीज़ खाया। घर आते आते हो गए 6:30-7 बजे शाम के, तो उसके बाद जब मैं बोला कि चलो अभी नहा लेते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो मैंने आया वैसे ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया, मैंने ही एक्चुअली कॉल किया था, तो हम लोग का कुछ प्लान था, हम लोग ने मीटअप किया, हम लोग ने बात किया और जस्ट मैं आया हूँ घर पर। और एक चीज़ हो गया है कि जो मेरा ये फ़ोन है, मैं एक्चुअली एक एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ और एक एप्पल यूज़ करता हूँ, तो ये मेरा एंड्रॉयड वाला फ़ोन का टच चला गया, बंद हो गया, तो मैं अभी वही खोलते हुए बैठा था, इसको मैंने स्क्रू ड्राइवर से खोल रहा था एंड अभी देखते हैं कि मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ कि नहीं। मैं मोस्टली प्लानिंग कर रहा हूँ इसका बैटरी निकाल कर वापस कनेक्ट करूँ, तो ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ऑलमोस्ट खोल दिया इसे, बस एक स्क्रू शायद से बाकी था, हाँ वो भी हो गया है एंड ये यहाँ से निकलना चाहिए, तो नहीं इधर एक स्क्रू बाकी है तो वो भी हम खोल देते हैं। तो वो भी मैंने खोल दिया, अब ये निकल गया, तो ये बैटरी है, अब मुझे देखता हूँ उसे निकाल कर, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया इस बैटरी को, यहाँ पर है एंड ये शायद बंद है, बैटरी हाथ में आ गई, मैं वापस इसे कनेक्ट करने को ट्राई करता हूँ। ये पता नहीं ये मोबाइल मुझे आजकल बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, आई डोंट नो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है, कि अचानक से बीच में कभी मेरा टच बंद हो जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि मैं पूरा उसको बैटरी को ड्रेन होने देता था एंड उसके बाद मेरा टच, मैं वापस चार्ज पे लगाता तो मेरे मोबाइल का टच बराबर से काम करता, लेकिन ड्रेन होने के लिए कभी कभी 2 हफ्ते लग जाते थे, 1 हफ्ते लग जाते थे एंड क्योंकि बैटरी इसका बैकअप बहुत अच्छा है ये फ़ोन का, क्योंकि मोस्टली इसमें एंड्रॉयड से ज़्यादा मैंने एंड्रॉयड हटा के, अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज होगा तो मैंने एंड्रॉयड हटा कर इसमें डाला है लीनिएज OS, जो ज़्यादा स्पेस या कचरा नहीं लेता है।
तो फाइनली मैंने इसे बंद कर दिया है, अभी देखते हैं इसे चालू करके बॉस ये टच काम करता है कि नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक, वूक फ़ोन है लेनोवो का Z1, चालू हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जो लीनिएज OS डाला है, एक एक्चुअली एक ऐसा OS होता है लीनिएज OS जो एंड्रॉयड ही होता है, लेकिन उसमें जो एंड्रॉयड में बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब सर्विसेज होती है जो तुमको नहीं चाहिए, तुमको सिंपल रखना है क्योंकि वो सर्विसेज तुम्हारे प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा ले लेती है, तो ये सब हटाने के लिए ये लीनिएज OS होता है, तो एंड्रॉयड ही होता है। इसमें मैंने डाला है नोगट, तो यूज़ करता हो, लेकिन ये अच्छा एंड्रॉयड ही होता है, चलता है मज़ेदार, ज़्यादा कचरा नहीं है, तो बैटरी पावर इसलिए मेरा बैकअप अच्छा हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में ज़्यादा कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो होप सो अभी ये बूट हो रहा है, लीनिएज का OS का आइकन आया अगर दिख रहा होगा, एंड यस फाइनली टच काम कर रहा है, नसीब। आई डोंट नो, ये प्रॉब्लम होता रहता है ये मोबाइल में, क्यों होता है समझ में नहीं आता कि अचानक से कभी कभार मेरा टच काम करना बंद हो जाता है, फिर मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा, मतलब अभी बंद होता है तो मैं टच से रिस्टार्ट भी नहीं कर पाता, मुझे बैटरी खोल के, मैंने सोचा बैटरी खोल के लगा देता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज मैंने व्लॉग किया, मैं उधर गया था घूमने के लिए, मेरा रूटीन बहुत था, मॉर्निंग में 6 o'clock से उठा हूँ, अभी देखूँगा शायद से अभी पबजी मैंने खेला है तो मैं पबजी एक गेम खेलूँगा, मैं खाना खा के नॉर्मली सो जाऊँगा, फिर कल सुबह सुबह होगी, देखते हैं मैं क्या करने वाला हूँ, अभी तो कुछ प्लान नहीं है, एंड अभी मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है कुछ, शायद से मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं एक्चुअली क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। चलो बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, एंड लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम, और कुछ भी रहेगा कमेंट करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलो ना, शेयर करो वीडियोज़ को, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वो बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन क्लिक रहेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप जल्दी देख सकते हो वीडियो और मुझे जल्द से जल्द मिलेगा व्यू। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, एंड लव यू ऑल, टेक केयर।